अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे हम स्टेयरकेस बनाएंगे अपने 3ds मैक्स में। ये तो मैंने प्लान बना चुका हूँ, इसको बनाने का वीडियो आपके राइट साइड में दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और आपके लास्ट में भी दिखेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके चलो शुरू करें। मैं इधर स्टेयर्स ले लेता हूँ, स्टेयर सेलेक्ट कर लूँगा, इधर मैं स्ट्रेट टाइप ले लूँगा और इधर अपना स्नैप ऑन कर लूँगा। इसको राइट क्लिक करके इधर ऑप्शंस में जाके सिर्फ मैं एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इधर क्या करता हूँ, यस क्लिक करके अपना स्नैप ऑन कर लूँगा, और मैं इधर लेफ्ट क्लिक करके होल्ड में रख के फिर इधर छोड़ दूँगा राइट लेफ्ट क्लिक, और इधर तक मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। ओके, और मैं अपना स्नैप ऑफ कर लूँगा यस प्रेस करके, और इसका हाइट मैं इधर से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आल डब्ल्यू प्रेस कर दूँगा और अपना मैं टॉपिक में इधर जाऊँगा, इधर जाके इसको मैं इधर से इस स्टेज को मैं मूव कर लूँगा इस तरफ, और इधर मैं टू क्लिक करके इसके ऑप्शंस में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाकर इसको मैं क्लोज टाइप रखूँगा, और मैं इधर नंबर ऑफ द स्टेप से 11 रख दूंगा, और मैं इसको हैंड रेल एंड ये डिसेबल कर दूंगा। ओके, ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है। आपको इधर से आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, और ये ओवरऑल जो हाइट है ये एडजस्ट करने का, और ये राइज हाइट जो है ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो राइजर का जो हाइट होता है वो, और नंबर ऑफ द स्टेप्स, और ये है हैंड रेल, ये आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड हैंड रेल, ये राइट साइड हैंड रेल, ये रेल पाथ जो इसका एक्सिस होगा, और ये स्टेप्स का थिकनेस है, और मैं इधर कैरेज सेलेक्ट करने के लिए मैं ओपन क्लिक कर दूंगा तो इधर आपको कैरेज आएगा, इसके ऑप्शन से इसका थिकनेस और इसका डेप्थ आप देख सकते हैं, और इधर बॉक्स भी है, और इसका जो रेलिंग जो है ये आप देख सकते हैं, इसका हाइट। ओके, ये ऑफसेट जो स्पेसिंग्स बिटवीन है और इसके सेगमेंट्स, अगर आपको सर्कुलर चाहिए तो सेगमेंट्स को इंक्रीज कर दीजिए, स्क्वायर चाहिए तो 4 सेगमेंट्स रख लीजिए, और इसका रेडियस भी है आपको, और इधर आपको स्ट्रिंग्स ये जो आप देख सकते हैं, इधर इसका डेप्थ भी है आप देख सकते हैं। मैं इधर इसको क्लोज में रख दूंगा, क्लोज टाइप में, और इसका विड्थ थिकनेस और इसका ऑफसेट भी आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको लाइक अ क्लोज्ड वॉल डालना चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट स्टेयरकेस में दिखाऊंगा आपको। मैं क्या करूंगा, इधर जाकर मैं एल टाइप सेलेक्ट कर लूंगा, इधर मैं स्नैप ऑन कर लूंगा, इसको मैं इधर क्लिक कर लूंगा, और इधर होल्ड रख के इधर तक, और इधर से इधर तक, और अपना स्नैप ऑफ कर लूंगा इस क्लिक करके, और इसका हाइट एडजस्ट कर दूंगा मैं इधर। ओके, मैं इधर ऑल डब्ल्यू में जाऊंगा, इधर जाकर मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा, इधर से भी इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, इस इधर मैं इधर स्नैप ऑन कर लूंगा, और इस एंड को पकड़ कर मैं इसको सेलेक्ट कर इस एंड को पकड़ कर मैं इधर प्लेस कर दूंगा इसको। ओके, मैं इसको क्या करूँगा, रेस्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस तो सेम ही है, सेटिंग्स सेम ही है, वो जैसा था इसी तरीके का है। ये कैरेज में जो है आपको आपके नंबर ऑफ काउंट्स भी आपको इस पर वेरी कर सकते हैं, स्पेसिंग्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, मैं अब इसको क्या करूँगा, इधर रेल पाथ डाल दूँगा, ये रेल पाथ, और ये हैंड रेल्स, और ये जो हाइट जो है इसका थोड़ा इधर तक ला लूँगा, इधर मैं हैंडल डिसेबल कर दूँगा, और इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा,
ओके गाइज, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करके इधर मैं एक्सट्रूड में जाऊँगा और इसका अमाउंट मैं इधर तक एक्सट्रूड कर दूँगा इसको। और मैं स्टेज को सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करके जो हैंड रेल इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा मैं इधर। इसका ऑफसेट जो है थोड़ा ज़्यादा कर दूँगा जिससे कि वो एंड टू एंड मीट हो जाए, और इसका रेडियस थोड़ा कम सर्कुलर रख दूँगा। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा जो मैंने एक्सट्रूड किया है, और इधर मैं शेल ले लूँगा इधर, इसको थोड़ा ठीक कर लूँगा मैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ओके, थोड़ा नीचे मूव। ओके, ये हो गया, ये आप देख सकते हैं ये वॉल आ चुका है। ओके, अब मैं मूव होता हूँ अपने यू टाइप स्टेयरकेस पे। इधर मैं सेलेक्ट कर लूँगा इसको और मैं इधर अपना स्नैप ऑन कर लूँगा। आप देख सकते हैं मैं इसको इधर तक सेलेक्ट कर लूँगा, फिर इधर से इधर तक, और मैं अपना स्नैप ऑफ करके इधर थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लूँगा। अब मैं इधर डब्ल्यू क्लिक करके इसको पोजीशंस में ला लूँगा। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा और इससे मैं इधर तक इसको मूव कर दूँगा। ओके, अपना मैं टॉपी में जाऊँगा। अब टोटल जो है वो है 20 स्टेप्स, मैं लिखूँगा इधर 21। इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इधर मैं लिख दूँगा स्टेप्स 21। ओके, जो लेंथ टू है वो थोड़ा इक्वल रख दूँगा, और विड्थ जो है ये देख सकते हैं ये विड्थ है, ये ऑफसेट है, मैं विड्थ इधर छोटा कर लूँगा। इसको थोड़ा ऊपर मूव करके इधर इधर हम इधर से आपको एडजस्ट करना चाहिए। ओके, ये ऑफसेट। ओके, ओके, ये है लेंथ, इधर से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ओके गाइस, आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है। ओके, अब मैं मूव होता हूँ अपने स्पेरिकल स्टेयरकेस पे। अब मैं इधर स्पाइरल स्टेयरकेस पे क्लिक करूँगा और इधर मैं अपना स्नैप ऑन कर लूँगा। इधर मैं इधर क्लिक करके मैं इधर तक इसको एक्सटेंड कर दूँगा और अपना मैं स्नैप ऑफ कर दूँगा। ओके, आप देख सकते हैं ये आ चुका है। तो मैं इसको इधर टॉपी में जाऊंगा, इधर से मैं एडजस्ट कर लूँगा इसको नंबर ऑफ स्टेप्स। मैं इधर जाकर इसको ये जो है मैं फोन, और इधर जो है मैं ये 9 रख दूँगा 9, और इधर से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगा, इधर मैं सेंट्रल पोल डाल दूँगा, उसका मैं पोल का रेडियस थोड़ा रिड्यूस कर दूँगा और मैं इसको इधर क्लोज टाइप में रख दूँगा। अगर चाहिए तो आप सिंक भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं इसका थोड़ा। ओके, ये वेट इसका ऑफसेट है। ओके, ये देख सकते हैं ये बन चुका है ये स्पेरिकल स्टेयरकेस। ओके गाइस, ये था छोटा सा वीडियो, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस।